देश भर के किसानों को यूरिया के लिए जूझना नहीं, कभी उस संकट के साथ मुसीबत झेलनी नहीं पड़ रही है, उसे पुलिस की लाठियां नहीं खानी पड़ रही है, उसको काले बाजार में यूरिया खरीदने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। इसका कारण यह है कि पहले जो यूरिया अवैध तरीके से खेतों के बजाय फैक्ट्रियों में चला जाता था, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 100% नीम कोटिंग से अब यूरिया सिर्फ खेत के ही काम आता है। शाहजहांपुर में तो बहुत बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, यहां से तो देश भर में यूरिया जाता है। ऐसे ही कारखाने गोरखपुर, झारखंड के सिंदरी और बिहार के बरौनी में थे, लेकिन पुरानी सरकारों की गलत नीतियों से ये कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, यूरिया की खपत कम नहीं हुई थी, लेकिन यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए विदेशों से यूरिया लाने का सिलसिला चला। पता नहीं ये सब किसकी भलाई के लिए किया जाता था, क्यों किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने का बीड़ा उठाया। गोरखपुर और सिंदरी में तेजी से काम चल रहा है और आने वाले वर्षों में यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। साथियों, जो भी काम सरकार ने किए हैं, और जब यूरिया का नीम कोटिंग होता है तो गांव गांव विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के जुथों को एक आर्थिक कारोबार भी मिल जाता है। खेतों में गांव के बाहर जो नीम के पेड़ होते हैं, उस नीम की फली इकट्ठी करके आज उसको लोग बेचने लगे हैं, उससे भी कमाई होने लगी है। महिला स्वसहाय जूथ इस काम को कर रहे हैं और लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, और उस नीम की फली से तेल निकालकर यूरिया का नीम कोटिंग किया जाता है, जो खेत में अधिक उत्पादन पैदा करने की ताकत रखता है। हमने बीज से बाजार तक की एक प्रामाणिक रणनीति का सिलसिला किया है, ये यूरिया उसी का हिस्सा है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने वाली है। फसलों की कीमत ही नहीं, हमने सिर्फ उसकी कीमतें बढ़ा करके रुके नहीं है, खरीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को